लेके हम लोग को मारने का जो सरकार ने योजना बनाई वो नहीं मांगता है हम लोग को। उद्या जर एखाद्या व्यक्तीचा मयत झाला तर ह्याला जबाबदार कोण असेल? ग्रामपंचायत असणार, कारण की वाटप ग्रामपंचायतीने केलेलं आहे। साखरीमध्ये पाणी आहे, नक्की पाणी आहे की दुसरं काय टाकलंय? इंजेक्शन आणि काय टाकलं असेल तर उद्या जर कोणाला काय जीवहानी झाली तर ह्याला जबाबदार कोण? ग्रामपंचायत 100% असणार। जर कोणाला काय झालं तर आम्ही ग्रामपंचायतीला धारेवर धरणार। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम वसई तालुका के अरनाला गांव में आए हुए हैं। यहां ये आदिवासी पाड़ा है, आदिवासी क्षेत्र है। यहां पर आदिवासी पाड़े में हम ये जो कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके घर पे आज जायजा लेने आए हैं। जायजा ऐसा है कि सरकार की कई योजनाएं जो है वो योजनाएं अमल में है और उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मैंने अभी लाभ बोला, लेकिन हकीकत में लाभ मिल रहा है या सिर्फ योजनाओं के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है, ये चीज दिखाने में यहां आया हूं। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में जो बैग है, इस पर सरकार की योजना महाराष्ट्र शासन का लोगो लगा हुआ है और इस पे खावटी अनुदान योजना, अन्नधान, कड़धान व इतर जीवनावश्यक वस्तु की किट, इस तरह से ये पूरा किट का इसका विवरण लिखा हुआ है। इसके पीछे तरफ ये खावटी योजना अनुदान अंतर्गत क्या क्या मिलने वाला है, कितना सामान कितनी मात्रा में है, उसका विवरण लिखा गया है। यानी प्रति परिवार 2000 रुपये का यह सामान है, जिसमें कुल 12 अलग अलग चीज़ें हैं। मटकी 1 किलो, चावली 2 किलो, हरभरा 3 किलो, पांडरा वटाना 1 किलो, तूर दाल 2 किलो, उड़द दाल 1 किलो, मीट 3 किलो, गरम मसाला 500 ग्राम, शेंग दाना तेल 1 लीटर, मिर्ची पाउडर 1 किलो, चहा पाउडर 500 ग्राम, साखर 3 किलो, ऐसा कुल मिलाकर 18 किलोग्राम सामान है और 1 लीटर तेल है। ये कुल योजना है, योजना का फ़ायदा सरकार की योजना है, योजना का फ़ायदा हर एक को मिलना चाहिए। यहाँ इस गांव में इस योजना के लाभार्थी 377 घर हैं, वो इस योजना के लाभार्थी हैं। यहाँ अब जो सबसे अहम चीज़ ये है कि योजना का लाभ तो मिला, लेकिन उसमें क्या मिला ये सबसे अहम है। तो मैं ये आपको एक पैकेट दिखा रहा हूँ तूर दाल का। आप देख सकते हैं ये तूर दाल का जो पैकेट है, इसके ऊपर बाकायदा महाराष्ट्र शासन का लोगो है। महाराष्ट्र शासन दोनों भी है, आदिवासी कल्याण विकास विभाग का भी लोगो है और महाराष्ट्र शासन का भी लोगो है। और इसकी डेट सबसे पहले हम देखें तो डेट, पैकिंग डेट 9/2021 है और बेस्ट बिफोर 6 मंथ लिखा हुआ है। यानी कि पैकिंग डेट के हिसाब से ये हाल ही में पैक हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो दाल है, जिसकी सिचुएशन और कंडीशन आप कैमरे में लाइव देख सकते हैं, किस तरह से ये दाल ख़राब है। इसमें से इतनी ज़्यादा हद में बदबू आ रही है कि इसको पास में ले के सूंघ तक नहीं सकते हैं। इसको खाना तो काफ़ी दूर की बात। कमोवेश सिर्फ ये तूर दाल की ही बात नहीं है, बात करें शक्कर, 3 किलो शक्कर है ये, तो ये शक्कर भी पूरी गीली और भीगी है, इसका भी यही हाल है। इस तरह से दूसरे चना, वो पोटो दो ये भी तूर दाल है, ये पैकेट दूसरे लोग का है, इसका भी वही हाल है। उड़द ये उड़द दाल है, इस उड़द दाल की हालत क्या इस दाल में है और क्या पाउडर है वो सीधे सीधे मालूम पड़ता है। अब इस पूरे इतनी सी उड़द दाल लेने में ये इतना हाथ जो है वो पाउडर में हो गया। अब हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें ये जो राशन है उसमें क्या सामान दिया जा रहा है। हर चीज, चा पाउडर, अभी हम एक कप को खोल के भी दिखाएंगे अपन।
ये भी वैसा ही है जो भी नया खोला है। इसका भी डेट, पैकिंग डेट सभी का 9/2021 ही है। तो इस तरह से इस ये वाला जो हमने अभी पहले आपको दिखाया था, ये इसकी हालत बेहद ख़राब है। इस तरह से यहाँ जो ये सामान है पूरा, वो आपको अभी ये 3-4 परिवारों का सामान है, ऐसा 377 परिवारों में बांटा गया है। अब सवाल ये है, आदिवासी विकास के लिए आदिवासियों को जीवन आवश्यक वस्तु का वितरण किया जा रहा है या बीमार करने के लिए ऐसी चीजों का वितरण किया जा रहा है? ये देखना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा सरकार को, और सरकार के मातहत जो जो विभाग है, खास करके ये आदिवासी विकास विभाग और जिला प्रशासन को, कि इस तरह के हालात क्यों हैं। आपका नाम क्या? सुचिता चौहान। आपका क्या तकलीफ है आपको? मेरे को कुछ तबलीग नहीं, जो सामान दिया उसमें खराबी है। क्या क्या खराब निकला आपका? वो तूर डाल है, मिर्च पाउडर है, चना है, उड़ीद डाल है। ये कभी मिला आपको सामान? कल मिला। कल मिला, कभी खोला आपने इसको? सुबह खोला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला चौधरी है। निर्मला जी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या आपको तकलीफ है, क्या परेशानी है? तकलीफ ये है क्या, सामान जो सरकार ने दिया है, तो थोड़ा हम लोग भी इंसान है, तो हम लोग के लिए थोड़ा अच्छा देना मांगता है। क्या मारने का चीज दिया है हम लोग को, उससे अच्छा नहीं देते तो चलता था। ये 2000 रुपए कीमत की चीजें है, इससे पहले आपको 2000 अनुदान मिल चुका है। हाँ, कैश मिला था, और ये 2000 का आपको धाम मिला है। तो आपका क्या कहना है, सोचना है कि ये अच्छा है कि आपको जो 2000 अनुदान मिला? 2000 अच्छा रहता तो 2000 में हम लोग ने अच्छा सामान लेके, मतलब अच्छा रेशनिंग लेके, अच्छा खिला पिलाते थे बच्चों को। ये कैसा खिलाएंगे हम लोग बच्चों को, ये नहीं खा सकते है ना। आपकी क्या मांग है सरकार? हम लोग को ये मांग है सरकार के पास से, हम लोग को इससे ये देने से अच्छा हम लोग को पैसा देंगे तो पैसे का हम लोग रेशनिंग ला के उससे हम लोग बनाएंगे खाना पीना। लेकिन ऐसा सामान दे के हम लोग को मारने का जो सरकार ने योजना बनाई वो नहीं मांगता है हम लोग को। आपका क्या नाम है? हाँ, जो हम लोग को जो कल सामान दिया ना, उस सामान में सब मतलब एक्सपायरी डेट हो गया है, और सब सामान में ऐसे पाउडर जैसे हो गया, खाने का जैसे लायक ही नहीं है वो सामान में। तो वो सामान लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं खर्च कर सकते ना, खाने का लायक भी नहीं हम लोग को। वैसे जैसे लाए ऐसे हम लोग को अभी जिसके फेंकने के लायक का हो गया वो सामान, तो इसीलिए हम लोग को ये सामान लेके हम लोग को कुछ उपयोग नहीं हुआ। रेखा जी, आपको क्या तकलीफ है? हम लोग को तकलीफ क्या है मालूम है क्या? ये जो ये है ना पेड़, हम लोग को ये पसंद नहीं है। नहीं, वो ठीक है, आपको पसंद नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सामान आया, सामान का क्वालिटी कैसा है, उससे आप संतुष्ट? वो जो क्वालिटी है ना, तो अच्छा नहीं क्वालिटी आया। मतलब कि हम लोग सब्जी में डालता है, मच्छी में डालता है, तो हम लोग का खाली ये सेंगदाना का खाली बास मारता है। अच्छा, और बाकी सामान उड़ा दाल ये वो भी अच्छा नहीं, मसाला तो ये हम अभी बात कर रहे थे, 2-3 महिलाओं ने अपनी है कि परिस्थिति उन्होंने बताई, इन्होंने अपनी परिस्थिति बताई। अब इसके पीछे क्या मानवीय भूल है, पहला सवाल। अगर मानवीय भूल है तो भूल को सुधार होना चाहिए, और अगर मानवीय भूल है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मानवीय भूल नहीं है और जानबूझकर किया गया है, जो कि ऐसा कई बार देखा जाता है कि इस तरह के योजनाओं में जानबूझकर, हर एक योजना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही होती है, तो वहाँ थैलियों पे लोगो लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें माल जो है, अहमियत उसकी है, अहमियत जिस चीज़ की है वही अगर ख़राब है तो लोगों को क्या करेंगे। तो कहने का मेन तात्पर्य यही है कि अगर लोगो लगी ऐसी थैलियों में, पैकिंग डेट उनकी अभी की बता दी जाए और झूना माल भर के दे दिया जाए, तो वो कहाँ तक सही है? देखने में सबकी पैकिंग बिल्कुल नहीं है, उसको देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि एक्सपायर है, लेकिन ये किसी प्राइवेट कंपनी का पैकिंग नहीं है, पैकेजिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैकेजिंग है, और गवर्नमेंट का पैकेजिंग होने के बाद में
क्यों इस तरह का माल उसमें निकला, कौन सी दाल है वो दो महीने में, नवे महीने में पैक हुई है और भी सितंबर में पैक हुई, सितंबर की एक्सपायर डेट लगी हुई है, अक्टूबर दसवां महीना है, एक महीने में कौन सी दाल खराब होती है, एक महीने में कौन सा धान खराब होता है, तो ये सवाल बड़ा है। इसके पीछे क्या रैकेट है उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और इसके जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं ये जो लाभार्थी लोग हैं इनको इनका हक जो है वो बहुत अच्छे से सही मिलना चाहिए। अभी हमने जो आपको ये वीडियो में दिखाया, जिस तरह से यहाँ जो धान की हालत है उसको लेकर वीडियो में दिखाया, उसके बाद में हमने यहाँ गांव के ग्राम सचिव संकेत साहब है उनसे फ़ोन पे बात की और उनको इस बारे में जानकारी, तो हालांकि उनका ऐसा कहना है कि ये जो है पूरा ही आदिवासी विकास प्रकल्प का है, इससे उनका कोई सीधा संबंध नहीं है, उन्होंने सिर्फ डेटा प्रोवाइड किया और वो लोग आके वितरण करके गए। तो आदिवासी विकास प्रकल्प जो है उससे कॉन्टेक्ट करके उसकी भी प्रतिक्रिया ली जाएगी, लेकिन सचिव साहब की जो प्रतिक्रिया है उसके ऊपर यहाँ अरनाला गांव के शेरू वाघ जो है एक काफ़ी आक्रामक समाज सेवक है आदिवासी समाज के, इन ये कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। शेरू जी नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जो प्रतिक्रिया संकेत साहब ने दी उस पर आपकी क्या राय है? माला असं सांगायचं आहे की खावटी योजना जी आहे ही फार वर्षापूर्वीपासून होती, 2014 जेव्हा BJP सरकार आलं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब झाले, त्यावेळी त्यांनी ही खावटी योजना बंद पाडली। पुन्हा जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचं सरकार आलं, त्यांनी कोरोना आणि हे लॉकडाऊनचा विचार घेत पुन्हा 2020 ही खावटी चालू केली, फक्त एक वर्षासाठी चालू केलेली आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे ही खावटी जी आहे ही एक वर्षापूर्वी घोषणा झालेली की खावटी मिळावी, परंतु एक वर्षभर ही खावटी फक्त कागदावर राहिली, ही जी काही योजना असेल खावटी अनुदान योजना ही फक्त कागदावर राहिली, आणि एक वर्षानंतर लोकांचे फॉर्म भरण्यात आले, लोकांकडून लूटमार करण्यात आली, ह्याच्यामध्ये राजकारण करण्यात आलं, आणि हे सर्व केल्यानंतर आत्ता जेव्हा कोरोना संपत आला, लॉकडाऊन जेव्हा उघडलं, तेव्हा सरकार कुठेतरी झोपेतनं जागं झालं आणि आत्ता ही खावटी मिळाली। ह्या खावटी योजनेअंतर्गत अर्नाळ ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये 377 लोकांची नावं आहेत आणि त्यामध्ये बरेचसे आदिवासींना ह्या लोकांनी जाणून बुजून डावळलंय, त्या लोकांचे फॉर्म भरले नाही, त्या लोकांची यादीत नावं टाकली नाही, असे अनेक विधवा महिला आहेत, अनेक अशी निराधार महिला आहेत की त्यांचे फॉर्म भरले नाही, त्यांना आदिवासी काकतरी समाजाचे लोक आहेत की त्यांना खावटीचा योजनेचा लाभ मिळाला नाही, ग्रामपंचायतीने फॉर्म भरला नाही। असं झालं की 2 दिवसापूर्वी 10 तारखेला प्रकल्प कार्यालयातले काही कर्मचारी आले आणि ते यादी घेऊन ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये आले, त्या दरम्यान 10 तारखेला ग्रामपंचायतमध्ये माहिती मिळाली की 11 तारखेला सकाळी 11 वाजता ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये खावटीचं वाटप होणार आहे, याचा अर्थ 2-3 दिवस अगोदर ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये ही खावटी पोहोचलेली होती। आता कशावरून की नेमकी ही खावटी तिकडनं झाली, इथेच जर ग्रामपंचायतीने काय झोलझपाटा केला असेल किंवा खराब वस्तू त्याच्यामध्ये भरला असेल तर सांगता येत नाही, ग्रामपंचायतीने उघड करून द्यावा की नाही केलंय असं, ग्रामपंचायत मध्ये जर एक रात्रभर किंवा दिवसभर ये आप जो आरोप लगा रहे इसके पीछे कोई बेस नहीं है, लेकिन ये चीज है, ये चीज हम जरूर बोल सकते हैं कि कम से कम यहाँ गांव में कुछ आ रही है, वो गांव के सचिव सेक्रेटरी हो गए या गांव के सरपंच हो गए, उनकी अपनी जिम्मेदारी की अपने गांव में क्या चीज आ रही है उसकी देखरेख उनको करनी चाहिए, ये चीज पे क्या कहना चाहिए? ग्राम पंचायती हद्दी मध्ये जसं ग्राम सेवकांनी तुम्हाला सांगितलं किंवा सरपंच ग्राम पंचायत तुम्हाला सांगत असेल की आमचा काही संबंध नाही, वरून आलं ते आम्ही वाटलं, ग्रामपंचायतीने हे अशा प्रकारचं एक लेटर वाटलं गावामध्ये, सर्वांना ही लेटर दिली की खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत 11 तारखेला 11 वाजता खावटी वाटणार आहेत, त्या दरम्यान खावटी वाटण्यात आली नाही, दुसऱ्या दिवशी खावटी वाटली, आणि ग्रामपंचायत जर सांगत असेल की आमचा काही संबंध नाही, तर जसं एखादं कुटुंब असते आणि त्या कुटुंबाचे आईबाप जेव्हा लहान मुलांना किंवा त्यांच्या कुटुंबदारांना काही वाटलं जाते दिलं जाते त्यावेळी पूर्णपणे जबाबदारी ही कुटुंबाची असते, तशा प्रकारे अर्नाळ ग्रामपंचायतीची ग्रामपंचायत आहे, सर्व लोक जे आहेत त्यांची जबाबदारी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये आहे, ग्रामपंचायतीच्या हातामध्ये आहे, मग बाहेरून काहीतरी वस्तू येते ही ग्रामपंचायतीच्या मार्फत वाटले आलेली आहे, 377 कुटुंबांना ही खावटी वाटप केलंय, त्याच्यामध्ये ही खराब वस्तू वाटली, ही डाळ दिलेली खराब, जंत पडलेल्या आहेत, पोपेटी पडलेत, उद्या जर एखाद्या व्यक्ती त्याच्यातनं मयत झाला तर ह्याला जबाबदार कोण असेल? ग्रामपंचायत असणार, कारण की वाटप ग्रामपंचायतीने केलेलं आहे,
साखरी मध्ये पाणी आहे, नक्की पाणी आहे की दुसरं काय टाकलंय? इंजेक्शन आणि काय टाकलं असेल तर उद्या जर कोणाला काय जीवहानी झाली तर ह्याला जबाबदार कोण? ग्रामपंचायत 100% असणार. जर कोणाला काय झालं तर आम्ही ग्रामपंचायतीला धारेवर धरणार. ग्रामसेवक किंवा ग्रामपंचायत असं सांगूच नाही शकत की आमच्या ह्याच्यात काय संबंध नाही. जरी तिकडनं आलं तरी कोणाच्या माध्यमातून वाटप झाला? ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वाटप झालेलं आहे. ग्रामपंचायतीने हा वाटप केलाय, मग कसं ग्रामपंचायत सांगू शकते की नाही असं? तो ये जो अभी हमारी चर्चा हुई थी उसके ऊपर बड़े ही तीखे स्वर में शेरू वाग जो है इनका ये कहना है कि पंचायत, ग्राम पंचायत जो इससे छुटकारा नहीं पा सकती. और वाकई में ये जो बिंदु है वाकई बहुत सोचने लायक है कि जब कोई भी गांव में किसी तरह की योजना आती है या कुछ आता है तो वो ग्राम पंचायत के तहत ही आती है. और ग्राम पंचायत जो है वो एक माने में गाँव की सरकार है, तो उसका अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है. हम अभी बात कर रहे थे शेरू जी से, और पूरा ये आज का जो मैंने आपको ये दिखाया है, इसके बाद यही एक फिर से कहना चाहूँगा कि सरकार जो योजनाएं लाती है उसकी जवाबदारी ऐसे इंसान, ऐसे लोगों के हाथों में देनी चाहिए जिससे सुरक्षा जो है, लोगों के जीवन की सुरक्षा वो मजबूती से रह सके. नहीं तो मालूम पड़ा इस तरह से अगर ऐसे हालात होते रहेंगे तो इससे इंसान की सुरक्षा को और भी नुकसान हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है. आज के लिए इतना ही. वसई अरुणाला से यूसुफ अली. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.